कुंभ राशि वालों, आखिर परेशानियां खत्म हो गई। इस वीडियो को जल्द से देखो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों की लगातार बदलती चाल मनुष्य के जीवन को तरह तरह से प्रभावित करता है। कभी व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरफ से शुभ नतीजे मिलते हैं, तो कभी जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार जो भी उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं, इसके पीछे ग्रह नक्षत्रों की चाल मुख्य जिम्मेदार मानी गई है। यदि राशि में ग्रहों की चाल ठीक है तो इसकी वजह से शुभ फल की प्राप्ति होती है, परंतु इनकी स्थिति ठीक ना होने के कारण विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। हर किसी व्यक्ति की राशि उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। राशि की सहायता से भविष्य से जुड़ी हुई जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। दोस्तों, ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, किसी की सुने या फिर ना सुने, लेकिन कुंभ राशि की पुकार भगवान शनिदेव जरूर सुनते हैं। भगवान शनिदेव आपकी हर एक परेशानियों को खत्म करने वाले हैं। यदि आपने किसी नए काम के बारे में सोच रखा है तो आप उसे शुरू कर सकते हैं। पुरानी चल रही परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं। अपने पुराने बचे हुए कामों को निपटाने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, परंतु इसके विपरीत आप अपने कामों को पूरा करने में मानसिक सुस्ती महसूस कर सकते हैं। आप मनोरंजन के लिए या अपने मित्रों के लिए कुछ अधिक धन खर्च कर सकते हैं। दूसरों की मदद करने की भावना आप में प्रबल होगी। भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं। किसी नई तकनीक से आपको फायदा हो सकता है, आप उसे अपनाना भी चाहेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपका सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। किसी भी बात से आप अधिक परेशान ना हो, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। आपका नजरिया सकारात्मक रहेगा, इससे आप काफी सफल हो सकते हैं। जिन संबंध में दरार आ गई है, उन संबंधों को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। जो लोग आपसे नाराज हैं, आप उन्हें मना सकते हैं, इसलिए कोशिश आवश्यक है। आपके विश्वास पात्र लोग हर हाल में आपका सहयोग करने को तैयार रहेंगे। किसी भी कार्य में जोखिम और जल्दबाजी से आपको बचना होगा, अन्यथा आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह बिल्कुल भी ना दें, वह आपको नई मुसीबतों में फंसा सकते हैं। अपनी जिद को भी त्यागना होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। आपकी बातें और विचार लोगों को पसंद आएंगे और आप उन्हें आसानी से प्रभावित भी कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में अच्छा संतुलन बनाकर रखिएगा। परिवार से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपकी की गई भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हो सकती है। आपको ध्यान रखना होगा कि जिस प्रकार आपकी आमदनी है, आपको खर्चा भी ठीक उसी तरह से करना है। आप ना चाहते हुए भी किसी बेवजह के काम में फंस सकते हैं और इसके कारण आपकी योजनाओं में कुछ बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए, अब बात करते हैं आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आप किसी ऐसी मुश्किल में फंस सकते हैं जो आपके परिवार और पिता के लिए संकट का कारण बनेगी। इससे निकलने में दोस्त और प्रियजनों का सहयोग मिलेगा। वित्त या बैंकिंग पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय संतोषजनक साबित हो सकता है। कोई यात्रा की योजना रद्द हो सकती है। आने वाला समय आपके लिए बेहद सुगम रहेगा। यह समय काम पर ध्यान देने का है, खासकर कोई निर्णय लेने या फिर समस्या का हल करने के लिए जो कि उपयुक्त है। इस बात का ध्यान रखिए कि आप खुद का और अपने प्रियजनों का भी ख्याल रखिएगा। छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचना छोड़ो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। अब बात करते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपको ध्यान रखना होगा, शायद कोई आपके करियर का सत्यानाश करने पर तुला हुआ है। अपने काम व कंप्यूटर को सुरक्षित रखेगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई आपकी पीठ पीछे आपकी छवि को खराब तो नहीं कर रहा। आप किसी के भी चुंगल में बिल्कुल भी ना फंसेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में।
अपनी मीठी मीठी बातों से आप अपनी जानों का दिल जीत लेंगे। पिता या शिक्षकों पर आए संकट से आपकी यात्रा की योजना में विलंब होगा। अपने दिल के सबसे करीबी के लिए समय निकालकर कहीं घूमने निकल जाए और कुछ गुदगुदाते हुए पल साथ बिताए। अपने कूटनीतिज्ञ कौशल को दूसरे लोगों के सामने पेश करने का समय आ चुका है। तो अब बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपके लिए खुशखबरी यह है कि आपको अपने कमर दर्द और गर्दन के दर्द से निजात मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं चाणक्य नीति। सुखी जीवन का बस एक ही राज, हर सुबह पत्नी पति के साथ करें ये चार कार्य। आचार्य चाणक्य को एक लोकप्रिय शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार के रूप में जाना जाता है। आचार्य चाणक्य पाटलिपुत्र के महान विद्वान थे। इतने बड़े साम्राज्य के मंत्री होने के बाद भी वह एक साधारण सी कुटिया में रहना पसंद करते थे। साथ ही वे बेहद ही सादा जीवन जीने में यकीन रखते थे। चाणक्य ने अपने जीवन में मिले कुछ अनुभवों को एक किताब चाणक्य नीति में जगह दी है। आचार्य चाणक्य नीति ग्रंथ में मनुष्य के लिए कई नीतियों का उल्लेख किया है। यदि मनुष्य अपने जीवन काल में इन नीतियों को अनुसरण करता रहे तो उसका जीवन सुख में रहता है। पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। आसपास मौजूद एनर्जी भी इस बात में जो कि बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से आपको जो कि यह कार्य करना है जिससे कि आपके बीच, पति पत्नी के बीच जो कि एक अच्छा सुखी जीवन बना कर रहे। पहला है योगा। वैसे तो सुबह सुबह योगा हर किसी को करना चाहिए, लेकिन यदि पति पत्नी के साथ मिलकर सुबह योगा करता है तो इससे न सिर्फ दोनों स्वस्थ रहेंगे बल्कि दोनों का दिमाग भी शांत रहेगा। अगला है प्रेम। यदि पति पत्नी प्रेम के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो उनका पूरा दिन यकीनन अच्छा गुजरेगा। प्रेम से दिन की शुरुआत करने से मूड भी फ्रेश रहता है और आप पूरे दिन जोश और उत्साह से भरे होते हैं। अगला है पूजा पाठ। यदि पति पत्नी सुबह सुबह पूजा पाठ करके एक साथ भगवान का आशीर्वाद लेते हैं तो उनका दिन अच्छा और शांतिपूर्ण बीतता है। इससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी होता है। इसलिए पति पत्नी को एक साथ पूजा कर भगवान का सुबह सुबह आशीर्वाद लेना चाहिए। आखिरी है तुलसी में जल। सुबह स्नान करने के बाद पूजा पाठ कर लेना चाहिए तो वैसे ही अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि सुबह के समय पति पत्नी दोनों स्नान करने के बाद एक साथ तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं तो दोनों की जोड़ी ताउम्र यूं ही बनी रहती है। अच्छी जोड़ी को देखकर आसपास के लोग भी कामना करने लगते हैं कि उनकी भी जोड़ी अपने पार्टनर के साथ ऐसे ही बनी रहे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से यह चाणक्य की नीतियाँ थी जिसे कि पति पत्नी मिलकर हर रोज इन्हें करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो सच में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।